के बाण सदा चलते हैं, सत्य बाण सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के भाव नहीं चलते। बेटा करवा तुम आ गए बेटा, बहुत देर लगाई बेटा, क्या जलाशय दूर था? बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा? पिताजी माताजी जल पीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज अलग क्यों है? तू श्रवण ही है या कोई अन्य? हे परमात्मा, क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। माताजी पिताजी, मैं आपका श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। पिताजी माताजी जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ चुकी थी यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों चुप क्यों हो श्रवण? मेरा श्रवण कहाँ है? वह तो जल लेने गया था। निश्चय तो कर ही लिया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। हे देव, आपका श्रवण अब इस संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मुझे क्षमा करिए देव। क्या कहा? मेरे श्रवण की मृत्यु हो गई? हाँ हाँ, मृत्यु हो गई, और वह भी मुझ अभागे से। जब वह सरयू के देह पर जल भर रहा था तो धोखे से मैंने शब्दभेदी बाण चला दिया था। उसी घातक बाण से आपके श्रवण की मृत्यु हो गई। मुझे क्षमा करें माताजी। पिताजी जल पीजिए। आप बेटा श्रवण, मेरी प्यास, ओहो, अब क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बनाऊं? उठो पिताजी, माताजी उठो, जल पीजिए। जो होना था सो हो चुका। आज से आप मुझे ही अपना श्रवण समझिए। लीजिए पिताजी जल पीजिए। जल जल की रट लगा रखी है। कान खोल कर सुन, अब हम
तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। जल देने आए हो राजन और मेरे जलदाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथ ही प्यारे पुत्र को छीन लिया। क्या करूं? वृद्ध माता कैसे जल पिला? पिताजी माताजी जल पीजिए। फिर वही जल जल गिरा। अच्छा बोला। और सुन आज राम देता हूं, सुन ले सत्यवाणी मेरी। इसी भांति सुत वियोग में मृत्यु वृत्तपन में होगी तेरी। बेटा श्रो सरवण है यह क्या? यह तो दूसरी हत्या भी हो गई, किंतु इतनी शांति मिली कि ऋषि मुझे श्राप दे गए जो कि मुझे स्वीकार है। इस श्राप से ही मेरे हृदय को शांति मिली। इसलिए हे ऋषिराज, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। माताजी जल पीजिए। उठिए माताजी, उठिए। स्वामी माता जी जल पी। हे राजन, आज मेरे ही सामने मेरी नई ज्योति, मेरा सौभाग्य एक साथ अस्त हो गए, इसलिए मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति और मेरे पुत्र की लाशें बिना क्रियाकरण के पड़ी हुई है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र होते हुए भी तू बिना क्रियाकर्म के वृद्धा में पड़ा रहेगा। और समय पर तेरा त्रास संस्कार यही होगा। हे पतिदेव, जहां तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है। हे पुत्र, जहां तुम जाते हो तेरी माँ भी वहीं आती है। आह स्वामी, बेटा सर्वा। माता जी भी मर गई, ये तीसरी हत्या भी हो गई। सती, तुम्हारा श्राप भी मुझे स्वीकार है।
सकते। ये श्राप नहीं बल्कि मेरी शांति का अनुष्ठान है जो कि मुझे स्वीकार है। हे विधाता, ये क्या हो गया? हे आकाश के तारों, तुम भी आज दशरथ पर हंसो, खूब हंसो। अब आगे दशरथ पर हंसो और आनंद मनाओ। पवन भी सुगंधित हो रही है, क्या देवता इस घटना से प्रसन्न है या मैं ही कुछ भ्रम में हूं? कौन जो कि श्रवण को पुकार रहा है? वह देखो, श्रवण और उसके माता पिता की मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ही कुछ भ्रम में। यह क्या? मैं यह क्या देख रहा हूं? या मैं ही कुछ भ्रम में हूं? ये क्या हो रहा है? मैं क्या देख रहा हूं? ये भयानक मूर्ति मेरी ओर कहां आ रही है? तुम कौन हो जो बिना हिचकिचाहट के मेरे पास आ रहे हो? हाँ मनोज, मैं यमराज हूँ। यहाँ पर कुछ प्राणियों के प्राण लेने आया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है यह मेरे अधिकार से बाहर है। यह तीनों स्वर्ग के यात्री हैं, इसलिए मैं अब धर्मराज बन जाता हूं। प्रभु, यह कैसा परिवर्तन है? उस भयानक मूर्ति के सामने धर्मराज के दर्शन कैसे करें? अवधेश, भ्रम में न पड़ो। पापियों के लिए मैं यमराज हूं,
और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हूँ। ये दोनों ही रूप मेरे हैं। धन्य देव धन्य, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और श्रवण के माता पिता को छोड़ दीजिए, नहीं तो दशरथ इनके वियोग में प्राण त्याग देगा, पागल हो जाएगा। अब देश यह कार्य मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं इन तीनों के सामने प्राणों में शामिल नहीं हो सकता हूँ। आपको यही राय दूंगा, आप इस हट को छोड़ दीजिए और अपनी राजधानी में चले जाइए। जाओ अपनी राजधानी में जाओ और प्रजा को देखो। देव, देव, मुझे भी साथ ले जाइए। देव, मुझे भी साथ ले जाइए। देव,